अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लवली दुआज एंड द मैसेजेस दैट यू ऑल सेंट मी, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। जो आप लोग यूट्यूब बंद करके खास तौर से इंस्टाग्राम पे जाके मुझे इतने अच्छे प्यारे हार्ट वार्मिंग मैसेजेस भेजते हैं, थैंक यू सो 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 मच फॉर दैट। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड इट एक्चुअली इंकरेज्ड मी। मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली कल रात को वो सब पढ़ के कि मैं उठूं, एफर्ट डालूं, उठ के तरह तैयार शैयार हूं। तो मैंने ये देखा आज नया ये ग्रीन कुर्ता पहन लिया है एंड द सेम बालियां एंड द ईवल आई नेकलेस दैट आई वेयर। वैसे तो ये कोई मुझे किसी किस्म की नज़रों से नहीं बचाता, बट आई स्टिल वेयर इट बिकॉज आई रियली लाइक इट। सो इट्स नॉट अबाउट द बिलीफ, आई थिंक आई जस्ट लाइक द वे इट लुक्स आई गेस। एनीवे, तो अभी तो फिलहाल मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि आप लोग की वजह से मैंने वो येलो लाइट ऑन की हुई, सो आई माइट लुक अ बिट लाइक स्वेटी एंड स्टफ, बट फिलहाल आई गॉट रेडी। मैंने कहा कुछ करते, कुछ एफर्ट डालते, थोड़ा उठते हैं, बिकॉज इफ आई एम डाउन एंड प्रेस्ड देन दैट्स हाउ आई एम गोना स्टे। एंड वही जो मैं बार बार कल कह रही थी कि इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ मैरिज, वट कैन यू डू। इवन दो आई मिस माई मॉम एंड माई डैड इमेंसली, आई मिस आर हाउस इमेंसली, बट वही इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू गेट यूज टू इट। सो या खैर, अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह एमन से मिलने। तो ये जो सूट था एमन का, ये मैंने सोचा इसको अच्छी तरह से पैक कर लूँ, बट मैं रिबन ढूंढ रही हूँ कब से कि आई वांटेड टू डू लाइक अ रोल एंड देन लाइक टाई इट विद अ रिबन, बट वो मिल नहीं रहा था। सो देन आई हैड दिस बैग, मैंने कहा चलो इसी में एटलीस्ट इट विल लुक अ बिट फॉर्मल, सो आई कैन पुट इट इन दिस। एंड देन आई हैड दीज इयररिंग्स दैट गो परफेक्टली विद इट, तो मैंने कहा वो भी इसमें डाल देती हूँ। एंड देन आई हैव अ फ्यू स्किन केयर थिंग्स दैट आई वांटेड हर टू ट्राई आउट, सो आई एम गोना ऐड दोज इन इट। एंड बिकॉज शी इज लाइक माई बेस्टी, शी इज इवन दो वो मेरी सिस्टर। अच्छा, आप लोग बहुत सारे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, शी इज उसामाज खालाज सन्स बहू, सो शी इज नॉट गाजी इज नॉट मैरिड येट, माई एक्चुअल ब्रदर इन लॉ इज नॉट मैरिड येट, तो वो खाला के बेटे की बेगम हुई, सो दैट वे। सो वर गोना गो मीट हर, वर गोना गो मीट आइनूर, उसकी बेटी है, सो वर गोना गो मीट आइनूर। एंड आई हैव टू थिंक वट अदर स्टफ वर डूइंग, बट यू सी अलॉन्ग द वे, तो स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग, यू आर गोना सी सम स्टफ, होपफुली सम फन स्टफ। अच्छा, इसका बहुत लोगों ने मुझे कल कहा कि प्लीज़ ये दिखा दीजिएगा, अभी तो मैंने ये यूज़ कर ली। सो आई टुक ऑफ दिस एक्सटेंशन बिकॉज दिस मामा वॉज सेंग इज फॉर लाइक सिल्क एंड शिफोन टाइप कपड़े, तो उसको उतार के ऊपर से यू जस्ट यूज द डायरेक्ट स्टीमर। एंड ऑनेस्टली कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, यहाँ से आपने प्लग इन करना है, यहाँ पे इसके ये पानी भरते हैं इसके अंदर, ये ऐसे उतर जाता है, and then you open it and you put water, then you plug it back, and then these are the modes, you can just use the modes। यहाँ पे जब आप plug in करोगे light आ जाएगी power की, press it and the like जितना press रख, जैसे blow dryer होता है ना, press रखेंगे steam निकलती रहेगी, आप steam iron कर लें, it's as simple as that। कोई और इसकी ज़्यादा science है नहीं, but I will, मैं आपको कोई tutorial भी इसका दे दूंगी at some point in time। But anyway guys, now I need to go turn on the fan, turn off this yellow light because I'm melting। Take this to Eman and फिर चलते हैं साथ साथ, देखते हैं what we can do। ओके गाइज, यू विल हैव टू इग्नोर द पंखे की आवाज़ एंड द लाइटिंग नाउ, कुछ नहीं हो सकता इसका। बट मैंने कहा जल्दी से इससे पहले ये टेलर के पास जाएं, मैं आप लोगों को इनकी डिटेल्स दे दूँ, स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु लिव इन भावलपुर, मुझे आप लोग बहुत पूछ रहे थे। सो ये तीनों ट्रेड सेंटर में, भावलपुर ट्रेड सेंटर के अंदर एक दुकान है करम क्लॉथ, इट्स ऑन द फर्स्ट करम क्लॉथ, या इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यू कैन आस्क एनीवन, दे नो इट्स द बिगेस्ट स्टोर, एंड वहाँ पे होती है। अगेन आई डू थिंक कि दिस वाज प्राइसी, वाइट वाला 3000 का था, ये बाकी 27 के थे फॉर टू पीस, सो आई डू थिंक बहुत प्राइसी था। बट अगर आप भावलपुर में रहते हैं और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप करम क्लॉथ एट ट्रेड सेंटर जाएँ एंड वहाँ पे आपको ये दोनों प्रिंट भी मिल जाएंगे, क्योंकि इनके तो काफ़ी थान उनके पास थे। वाइट वाला कपड़ा उनके पास कम था, सो आई डोंट नो इफ यू फाइंड इट और नॉट, बट इफ़ यू डू लेट मी नो। सो दिस इज़ द वाइट वन, ये 3000 की सिर्फ शर्ट है, एंड देन दीज टू आर टू पीस 2700 ईच, ठीक है। तो ये मैंने कहा मैं आप लोग को जल्दी से निकलने से पहले बता दूँ। एंड देन फॉर द कढ़ाई वाले कुर्ते गाइज, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, ये वाला तो खैर मुझे पीआर में किसी ने भेजा था, इनका भी पेज होम शॉपिंग कुछ था, मुझे याद आएगा तो मैं बायो में डाल दूंगी, होम शॉपिंग समथिंग दिस वॉज फ्रॉम हर। बट मेरे वाले जो हैं, जो आप लोग ये वालों का पूछ रहे हैं, ये कल मामा ने कमेंट्स में रिप्लाई भी किया था कि दीज आर अबाउट 6 to 7000 रुपीज़, और ये अंदरून भावलपुर अंदरून बाजार, जो गेट नहीं है, गेट के अंदर जो बाजार होता है उसके अंदर से कहीं से मिलते हैं। सो बाकी आई डोंट नो गाइस, दिस इज़ द फुल लुक ऑफ द डे विद माई बॉय माशद के। तो ये है जी ग्रीन कुर्ता, I don't know how much of the handwork is being picked, but ये है साथ वाइट पजामा साइड खुद से, मैं अपने ग्रीन खुद से ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ वो रख दिए हैं, सो आई विल कम बैक एंड लुक फॉर देम। बट जस्ट एन ईजी ब्रीजी समर लुक, पोनी मैंने पहनी हुई है तो मैं अभी पोनी बनाने वाली हूँ लिटरली 2 मिनट्स। एंड दिस बैग दैट माई मॉम गिफ्टेड मी, इट्स अ टोरी बर्च वॉलेट ऑन चेन बैग एंड इट्स रियली रियली क्यूट, सो थैंक्स फॉर दिस मॉम।
तो ये है मैं और मिस्टर बुलेट और हम अब जा रहे हैं। वैसे बाहर आपको इतनी धूप रही नहीं, मगर मैंने फिर भी सनग्लासेस पहन लिए गाइस फॉर द इफेक्ट दैट आई एम गोइंग आउट। वैसे तो मुझे लग रहा है कि धूप खत्म हो, इट्स प्रीटी मच खत्म, सो वेल दैट सक्स। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आई जस्ट वोक अप, फ्रेशनड अप एंड चाय भी नहीं पी अभी तक तो ऑनेस्टली, पर अभी चाय पीते हैं। और आज हम लोग बनाएंगे आलू बैंगन, सो आई शो यू क्विकली हाउ टू मेक इट। ऑल्सो आई एम रियली सॉरी, वो गार्लिक वाली रेसिपी इट गॉट कट इन द एडिट, मैंने बनाई पूरी थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द एडिट एंड आई गॉट कट आउट, बट ऑल यू हैव टू डू इज ब्लांच द गार्लिक। आपने गार्लिक को उबलते हुए पानी में, चूल्हा ऑफ करना है, पानी हॉट होना चाहिए, ब्लांच कर देना है, 10 मिनट उस तरीके से रखना है, देन यू टेक इट आउट, यू ड्राई इट, कोई भी टिश्यू रख के उस पर उसको सुखा लें गार्लिक को, एंड देन यू पुट इट इन अ जार, एयर टाइट, कोई भी आपकी बोतल हो या जार हो उसमें डालें, और ऊपर तक, मतलब अगर यहाँ तक गार्लिक है तो यहाँ तक आपने उसको प्लेन सिरके से, जो भी कोई भी नेशनल का शंग्रीला का जिसका भी सिरका मिलता है, सिरके से भर देना, एंड देन फॉर 3 डेज यू हैव टू जस्ट पुट इट असाइड विद द लिड ओपन, ताकि जो भी उसकी स्मेल्स और गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएँ, एंड देन योर पिकल इज़ रेडी। मेरा वाला जो है वो यहाँ, ये देखें, ये मेरा एयर टाइट जार है, इसमें मैंने यहाँ तक गार्लिक भरा था, अब ये यहाँ तक, सॉरी, सिरका भरा था, अब ये यहाँ तक आ गया, बिकॉज़ वो गार्लिक चूस लेता है अंदर, एंड देन यू जस्ट लीव द लिड लाइक दिस सो दैट ऑल द एक्स्ट्रा स्मेल एंड एवरीथिंग गोज आउट। सो दिस इज़ द सेकेंड डे, थर्ड डे के बाद ये खाने के काबिल हो। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे हमने हल्का से जीरे में गर्म तेल में डाला एक चुटकी जीरा और प्याज, ये प्याज अभी हम कर लेंगे अच्छी तरह से ब्राउन, ठीक है। बहुत ही, मेरी तो रेसिपी सारी बहुत सिंपल होती हैं, सो इफ़ यूर समन हुज़ अबाउट टू गेट मैरिड और इज़ मैरिड एंड लाइक डजंट नो हाउ टू कुक, दिस इज़ जस्ट द सिंपल सिंपल रेसिपीज दैट यू कैन डू। आई मतलब मैं रोज़ अपनी सब्ज़ी चॉपिंग नहीं करती, तो मैं जिस दिन फूड प्रेप करती हूँ उस दिन मैंने ये आलू काट के फ्रीज़ कर लिए थे और साथ बैंगन, तो अभी मैंने ये डब्बा निकाला है आलू बैंगन वाला, बिकॉज दिस इज़ माई फूड प्रेप, आई लाइक कट अ सर्टन अमाउंट फॉर अ सालन एंड आई फ्रीज़ इट, या मैं उसी वक्त बना लेती हूँ। तो परसों मैंने फ्रीज़ कर लिया था, मैंने कहा यार अभी कुछ दूसरे सालन पड़े हैं बनाने की ज़रूरत नहीं, तो अब आज हमने निकाला है, कुछ भी नहीं होता, ना आलू काले होते हैं ना बैंगन, कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट रहता है सब। तो अभी ये प्याज और ज़ीरा जो है थोड़ा सा ये फ्राई होगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे आलू, आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि आलू, क्योंकि आलू टेक्स लॉन्गर देन द बैंगन टू कुक, फिर अदरक लहसुन डालेंगे, टमाटर डालेंगे, एंड आई शो यू द मसाले, लिटरली आई जस्ट यूज़ लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, इन 5 मसालों के अंदर आपकी सब्ज़ी ऐसे तैयार हो जाएगी, ऐसे। आई एम डूइंग इट अ लिटिल डिफरेंटली टुडे, तो प्याज, अदरक लहसुन एंड देन आलू एंड देन 1 स्पून ऑफ नमक एंड 1/2 चम्मच हल्दी में मैंने आलू ऐसे फ्राई कर लिए। अब इसमें टमाटर डालेंगे, बैंगन डालेंगे, एंड नहीं पहले टमाटर डाल के आप 5 मिनट उसको भून लें अच्छी तरह, ताकि वो पानी वानी जो उसमें छोड़ना छोड़े, फिर बैंगन डालें और फिर लाल मिर्च और धनिया पाउडर, अदरक पाउडर। ओके गाइस, टमाटर का पेस्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च डाल के जस्ट कीप मिक्सिंग इट, 2 मिनट में आपका मसाला तैयार हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट ऐड योर बैंगन एंड देन यू पुट इट ऑन दम एंड लिटरली योर फूड इज़ रेडी। जी बैंगन डाल दिया, 1 स्लिट कीवी हरी मिर्च ये डाल दी, एंड नाउ वी आर जस्ट गोना मिक्स इट वंस एंड देन यू पुट द लिड, दम पे पकता रहेगा बैंगन अपना पानी छोड़ेगा, और तब तक आलू भी रेडी, सब रेडी। हमारा सलाद तैयार हो गया, ये हमारे उबले हुए चावल तैयार हो गए, इसमें हमें बटर डाला है तो बड़े मज़े की खुशबू भी आ रही है, और ये हमारा है आलू बैंगन, ये बहुत ही ब्लैक लग रहा है इस वक्त लाइटिंग की वजह से, मगर ये देखें बेहतरीन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये इट्स प्रीटी रेड इन रियल, पता नहीं ये इसे कैमरे में इतना ब्राउन क्यों लग रहा है, डिलीशियस टेस्ट, मैंने अभी चखा है, डिलीशियस। अब चावलों पर डालेंगे आलू बैंगन, आप में से मुझे बताएं कितने लोग आलू बैंगन चावल के साथ खाते हो, सामने मुझे कहते हैं चावलों के साथ, मैंने कहा यस चावल के साथ ही तो आलू बैंगन का मज़ा आता है, वो भी ओए होए ऐसे बटरी गरम गरम, क्या बात है। यहाँ लगाया हुआ है मैंने पाक व्हील्स और ये चल रहा है इस वक्त। Guys, we're at Green Valley. I just wanted to show you, this is the garlic, जो देसी वाला, ये मेरे कैमरे के कलर्स को प्लीज़ इग्नोर करें, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट लाइक यू सी हाउ स्मॉल दिस इज़, ये देखें, और जो दूसरा होता है ना वो इतना मोटा मोटा होता है, ये देखें, यू सी द डिफरेंस, दिस इज़ ह्यूज, इस पर लिखा हुआ भी है दिस इज़ गार्लिक चाइना एंड दिस इज़ देसी गार्लिक, यहाँ लिखा हुआ है। अब तो खैर मैंने बना दिया है अपने दूसरे गार्लिक का, बट अब मुझे पता है कि ग्रीन वैली पे ये देसी वाला मिलता है, सो आई विल कम पिक दिस अप लेटर। एंड ग्रीन वैली एक्चुअली इज़ प्रीटी गुड सब्ज़ी, मैं आज वो मैक्रोनी बनानी है उसके लिए लेती हूँ। हाय गाइस, आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट ऑफ, व्हाट इज़ अप विथ माय हेयर ब्रो,
ये देखें ये जो नए बाल निकल रहे हैं, पता नहीं क्या कहाँ से आ रहे हैं. एनीवे वी कैन इग्नोर दैट. अच्छा तो गाइज सबसे पहले तो आई वांटेड टू से कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि वो जो राउंड वाला पहन रही ना पहने, मैंने उतार लिया है और मैंने ये आयतल कुर्सी पहन ली है. ये देखें इसके ऊपर बहुत चुन्नी चुन्नी सी स्मॉल स्मॉल सी माइन्यूट सी आयतल कुर्सी लिखी हुई है. सो नाउ आई एम वेयरिंग दिस. फर्स्ट अपडेट मैंने आपको ये देनी थी. सेकेंड अपडेट आई गॉट सम न्यू फोन कवर्स दैट आई रियली वॉन्ट टू शो यू गाइज. देर रियली फंकी लुक एट दिस वन. बट अनदर अपडेट दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज कि ये वाले फ़ोन कवर्स अब मेरे फ़ोन पे नहीं आएंगे. बिकॉज अगर आप वीडियो क्वालिटी में फ़र्क देख रहे हैं तो ये 14 प्रो मैक्स के थे जो मेरे पास पहले था, और अब मेरे पास 15 प्रो मैक्स है. सो नाउ दीज आर गोना फिट. बट ये अभी डिलीवर हुए हैं. लिटरली ये देखें डिलीवरी पैकेज अभी डिलीवर हुए थे. एंड इसके साथ उन्होंने ये लेंस फिल्म भी भेजा. ये टेक्मो, आपको पता है टेक्मो इज़ माई OG पेज जहाँ से मेरे फ़ोन के कवर्स हमेशा मैं मंगाती हूँ. तो ये उन्होंने ही मुझे भेजे थे. बड़े ही कूल कवर्स हैं. ये वाला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. और मुझे बताइएगा वीडियो क्वालिटी में इस वीडियो ऑनवर्ड्स सब कुछ 15 से रिकॉर्ड हो रहा है. तो लेट मी नो कि आपको वीडियो क्वालिटी में फ़र्क कैसे पता चल रहा है. लेट मी स्विच द कैमरा एंड शो यू द कवर्स एंड देन आगे बातचीत. सो दे सेंट दिस कवर, ठीक है, ये भी बहुत ही फिट लग रहा है. देन दे सेंट दिस रियली ब्लिंगी वन. एंड देन दे सेंट दिस लेंस फिल्म कवर्स. ये भी बड़े ही बिजूल्ड किस्म के हैं. बट ये अब मैं किसी को दे दूँगी जिनका आईफोन 14 प्रो मैक्स है, क्योंकि ये 15 पे एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह आने चाहिए हैं. मुझे तो वीडियो क्वालिटी कैमरे से देख के बहुत अच्छी लग रही है, बट मुझे इसकी कलर सेटिंग थोड़ी बदलनी है. एनीवे लुक एट दिस. दिस इज़ ग्लास, दिस इज़ प्लास्टिक, एंड देन दिस इज़ लाइक प्रोटेक्शन फॉर योर लेंजेज, एंड देन दिस इज़ ग्लास. लुक, इट्स अ मिरर. हाय एवरीबॉडी. एंड दिस इज़ ग्रेट फॉर व्लॉगिंग, बिकॉज़ इफ़ यू ओपन दिस तो फिर आप बैक कैमरे से आराम से व्लॉग कर सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो. सो ये मैं उनको बोलूँगी कि आप मुझे 15 के लिए भेज दें प्लीज़. बट ये बहुत फिट कवर है यार, ये बहुत है. एंड देन देयर इज दिस वन. ये ज़रा थोड़ा ब्लिंगी सा टीनेजर टाइप है. ये मैं खोल ही नहीं रही अभी क्योंकि आई माइट एंड अप गिफ्टिंग दिस समवन. ये काफ़ी काफ़ी ब्लिंग है. बटरफ्लाई के अंदर भी ब्लिंग ब्लिंग कुछ हो रहा है. इट्स प्रीटी ब्लिंग. एंड देन देयर इज दीज लेंस फिल्म्स व्हिच आई थिंक यू पुट दीज 3 ऑन द टॉप ऑफ योर लेंस एंड दे गेट डेकोरेटेड बाय इट और समथिंग. क्या है ये, स्क्रैच प्रूफ समथिंग समथिंग है. सो दीज ऑल्सो लुक रियली कूल. सो यू कैन चेक आउट techmo.pk, आपको मिल जाएंगे. दिस इज़ माई टॉप रिकमेंडेशन, डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. ये काफ़ी फिट कवर है और बहुत स्टर्डी, बहुत अच्छा है. दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर लाइक यंगर गर्ल्स हु लाइक ब्लिंग. आई लव द बटरफ्लाई बट इट्स जस्ट अ बिट टू स्पार्कली फॉर मी. बट पर्सनली लाइक आई रियली लाइक, मतलब मुझे वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. बट इफ़ आई वॉज 17-18 आई वुड लव इट. अब आई थिंक आई वुड ऑप्ट फॉर दिस वन. लेट मी ऑल्सो शो यू द बॉक्स फॉर माई न्यू फोन. दिस इज माई न्यू फोन. आई बॉट अ ब्रांड न्यू वन दिस टाइम. वी ओपन द सील यस्टरडे. ये ऊपर वाली तो मैंने खोली ही नहीं, सिर्फ नीचे वाले से खोली है. एंड आई एम सो हैप्पी गाइज. हक हलाल की मेहनत की कमाई से जब आप कोई चीज़ लेते हो ना तो बड़ी खुशी होती है. सो दिस इज़ द 15 प्रो मैक्स. एंड ये पता नहीं कितने GB है, लेकिन काफ़ी GB है क्योंकि मेरा सारा डेटा उस पुराने फ़ोन का इसमें आराम से आ गया था. बट कैमरा मैंने अभी तक इसका फिगर आउट करना है. मेरी सेटिंग्स अभी तक सही नहीं हो रही, तो ये हम करेंगे ज़रूर. और ये तो खैर मेरी दवाई पड़ी है ऑगमेंटन, इसको तो मिस कराएं, इसको तो इधर रखें. तो खैर गाइज ये है आज की एक और अपडेट के आई गॉट अ न्यू फोन. सो कंग्रेट्स टू मी फॉर दैट आई गेस. तो ये थी गाइज मेरी ज़िंदगी की अपडेट्स. वंस अगेन बाय द वे आई एम सो इनक्रेडिबली सॉरी कि गार्लिक रेसिपी पिछली वीडियो में कट हो गई. मुझे नहीं पता कैसे वो कट हुई, एडिट में कुछ हुआ है या क्या हुआ है. इतना मैंने टाइटल में लिखा गार्लिक रेसिपी और वो रेसिपी गायब थी. मैं दोबारा आपको बहुत तहम्मुल से बताती हूँ, देसी गार्लिक जो पिछले क्लिप में आपने देखा है वो ख़रीदें. चाइनीज़ गार्लिक मत लें, देसी गार्लिक को लें. चूल्हे पे पानी रखें जितना मर्जी, 3-4-5 कप, आधा देज का भर लें, कोई मसला नहीं है. यू आर गोना बॉयल द वाटर. जब बबल्स आ जाएँ पानी पे, उबाला आ जाए, आपने स्टोव बंद करना है, चूल्हा ऑन नहीं रखना, चलते हुए चूल्हे पे उनको नहीं पकाना है. जब चूल्हा बंद कर लें, पानी गर्म हो, आपने अपने छिले हुए गार्लिक क्लोव्स अंदर डाल देने उस गर्म पानी में. इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लांचिंग. जब आपने ब्लांच कर लेंगे अपने गार्लिक को, तो उसके बाद आप टाइमर पे 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, जो भी व्हाटएवर यू वांट. 15 मिनट से ज़्यादा ना रखें. 15 मिनट आपने अपने गार्लिक को ब्लांच अच्छी तरह करके उसके बाद उसको छन्नी में निकाल लें, पानी सारा ड्रेन आउट कर दें, और एक ट्रे पे टिश्यू डाल के उसको थोड़ी देर के लिए सुखा लें, 20-15 मिनट, आधा घंटा उसको सुखा लें. जब आपने उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसको सुखा लिया, उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है, एक एयर टाइट जार में गार्लिक को भरें, और उसके अगर यहाँ तक गार्लिक है तो यहाँ तक आपने सिंथेटिक विनेगर कोई भी ले लें, शंग्रीला का, नेशनल का, जिसका भी, जो भी कंपनी बॉयकॉट पे नहीं उसका लें, और यहाँ तक गार्लिक है तो यहाँ तक ऊपर तक उसको आपने भर लेना है
विनेगर से, और फिर आप उसको जार को बंद नहीं करेंगे लेड, आप ओपन लेड छोड़ेंगे, क्योंकि गार्लिक की एक बहुत पंजेंट स्मेल और एक गैसेस गार्लिक के अंदर होती हैं जो निकलना ज़रूरी होती हैं. सो लीव द लेड ओपन, द विनेगर विल मेक दैट गो अवे. फॉर 3 days और 4 days यू आर गोना कीप योर गार्लिक एंड देन योर गार्लिक विनेगर इज रेडी. दैट इज एज सिंपल एज दैट, आपका गार्लिक का अचार तैयार हो जाएगा. ये मैंने अच्छा कोई मुझे कल पूछ रहा था कि आपने ये सजेस्ट किया क्यों है गार्लिक का. It actually helps build up appetite. So if you're somebody like me जिसको भूख नहीं लगती या जो बहुत कम खाना खाता है, ये आपकी बॉडी में appetite build up करता है. It keeps your blood pressure normal. But सिर्फ दिन में 3 से 4 garlic के वो clove खाइएगा. ये नहीं कि आप खाते जाएँ, वो खट्टे होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं. तो शुरू में मैं भी 8-9 खा जाती थी, एंड देन आई रियलाइज कि दैट वो आपकी तबीयत सही नहीं रखेगा. तो 3-4 दिन के खाएँ और भूख तो डेफिनेटली appetite इंक्रीज होगी. यू कैन गूगल इट, इट्स अ फैक्ट. सो एनीवे, ये मैंने कहा था, दोबारा आप लोगों को जरा मैं बता दूँ. सो या एनीवे गाइज, ये थी आज की वीडियो. आई नो बहुत हैपहैजर्ड वीडियो थी, बट एक दो वीडियोज़ इस तरह की करूँगी तो ही दोबारा मैं उस जोन में जाऊँगी, अपनी थोड़ी बहुत डिप्रेशन, आई वुडंट वांट टू कॉल इट डिप्रेशन, बट अपनी थोड़ी बहुत जो सैडनेस है मेरी ऑफ कमिंग बैक एंड मिसिंग माई पेरेंट्स एंड मिसिंग एवरी थिंग, उससे निकलूंगी इसी तरीके से. सो थोड़े दिन के लिए बेयर विथ मी प्लीज़. उसके बाद हम लोग बैक टू नॉर्मल स्केड्यूल चले जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड जिन लोगों को भी मेरे उस ईवल आई से मसला था, गाइज मैंने आयतल कुर्सी पहन ली, ठीक है, अब आप लोग खुश हैं. तो ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था ऑन माई, नहीं ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड राबिया ने गिफ्ट किया था, बिकॉज़ राबिया यूज़ टू वेयर दिस. आपा ने मुझे राउंड वाला गिफ्ट किया था. राबू इफ़ यू आर वॉचिंग, लेट अस नो, ये तुमने मुझे कौन सी 16th या 17th बर्थडे पे गिफ्ट किया था. इसके ऊपर पूरे पे ना आयतल कुर्सी लिखी है. राबिया के पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है. यहाँ ये देखें, अब आपको शायद नजर आए. एनीवे गाइज, सो ये थी आज की वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड. आई नो दिस नॉट मच दैट आई शोड, बट इंशाल्लाह आई एम गोना कम आउट ऑफ दिस. ऑल्सो इट्स मोहर्रम, एंड मोहर्रम इज जस्ट अ मंथ दैट एनीवे इज अ बिट, यू नो, लाइक there's no festivity and stuff, तो वो एक हवा में ही एक वो होता है, आप लोगों को पता है इस बात का भी. सो बस काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लिंगर अराउंड हो रही होती हैं जहन में, बट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड एंड वी विल बी बैक ऑन रूटीन. मगर तब तक के लिए प्लीज़ बेयर विथ मी. थैंक यू सो मच अब तक के जितना आप मुझे प्यार दिखा रहे हैं. थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, दिल से आई लव यू ऑल. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट. सो इसी तरह जुड़ी रहिए हमारी फैमिली को. 20K सब्सक्राइबर्स जल्दी कर दें, वर्ड शॉर्ट ऑन लाइक 50 सब्सक्राइबर्स नाउ. सो जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर्स कर दें, ताकि जैसे ही मुहर्रम के दिन ख़त्म हो हम लोग अपना गिव अवे करें, वेडिंग सीरीज़ दोबारा शुरू करें. मैं अपनी शादी वाले कपड़े मामा के घर से लेके आई हूँ इस दफ़ा, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं. तो हम लोग वेडिंग सीरीज़ करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला मस्ती करेंगे इंशाल्लाह मुहर्रम के दिनों के बाद. सो या सो क्या कहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और ज़रूर बताएगा कमेंट्स में आज की वीडियो कैसी लगी. लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज. आई विल सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज़.